बच्चों, न्यू लाइट नीट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तैयारी में लगे हुए हैं नीट फोड़ने के लिए? फोड़ेंगे, बिल्कुल फोड़ेंगे। जिस तरह से आप लोग टेस्ट दे रहे हैं और जिस लगन से लगे हुए हैं, एक एक सेकेंड एक एक मिनट का यूज कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफलता की मंजिल को जरूर चूमेंगे। बच्चों, आज एक बहुत खास तरह का वीडियो मैं बना रहा हूं आपको बताने के लिए, क्योंकि टेस्ट तो बहुत सारे हो जाते हैं, आपको नंबर भी मिल जाते हैं, लेकिन किस तरह के सवाल आपके गलत होते हैं उसके एनालिसिस नहीं हो पाती। जैसा कि बच्चों हम सब जानते हैं कि पेपर बहुत सिंपल हो और धीरे धीरे पेपर सिंपल ही होते जाना है। नीट 2021 की अगर हम लोग बात करें तो यहां भी पेपर बहुत ही सिंपल आएगा। और फिर से एक बार पेपर देने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो आप यही बोलेंगे कि केवल एनसीईआरटी पढ़ा होता तो पेपर और अच्छा होता। इसीलिए बच्चों, हम लोग बिल्कुल अपना टेस्ट पेपर बिल्कुल और बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछ रहे। अगर एक दो सवाल आ भी रहे अभी पेपर में तो आगे बिल्कुल नहीं आएंगे, आगे के पेपर में। अब बच्चों, एक दो बात आपसे करना चाहेंगे। ये वीडियो क्यों खास है? इस बार बच्चों, आप सबने टेस्ट में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में कई जगह पे हुआ पेपर ये, और ऑनलाइन तो पैन इंडिया से बच्चों ने पेपर दिया। हमने कोशिश की ये जानने की कि आपके किस तरह के सवाल गलत हो रहे हैं। जैसा कि बच्चों आपको जानते हो आप सब कि अब हार्ड वर्क तो ठीक है, उसके साथ बहुत स्मार्ट वर्क की जरूरत है, और वो स्मार्ट वर्क आपको भी करना है, हमें भी करना है, दोनों को मिलकर करना है कि थोड़ा कम पढ़ के हम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करें और नीट में अच्छी रैंक आ जाए। इसके लिए कोचिंग के पार्ट पे ये बहुत जरूरी था कि हम एनालाइज करें कि जितने लोग भी आप पेपर दे रहे हो उसमें किस तरह के सवाल गलत हो रहे हैं। तो बच्चों, ये जो पेपर हुआ है संडे को, इसमें बायो में आपको पता 90 क्वेश्चन थे, फिजिक्स में 45 और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन थे। तो बच्चों, बायो में ऐसे 14 सवाल थे जो बहुत ज्यादा बच्चों ने गलत किया, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन थे और फिजिक्स में 7 क्वेश्चन थे। और मजे की बात है कि फिजिक्स में थियरी वाले सवाल ज्यादा बच्चों के गलत हुए। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस सवाल को कितने बच्चों ने गलत किया। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा, ये सिली मिस्टेक्स आगे ना हो, और इनको इम्प्रूव कैसे करना है इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो जरूर बना के देंगे। तो हम लोग फिजिक्स में देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 था फिजिक्स का, ये बेटा 1010 बच्चों ने गलत किया। इसका मतलब सेम तरह की मिस्टेक ज्यादा बच्चों से हो रही है। इसी तरह से बेटा जो क्वेश्चन नंबर 30 था, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, इसको 1969 बच्चों ने गलत किया। और क्वेश्चन नंबर 26 बेटा जो फिजिक्स में था, इसको 1159 बच्चों ने गलत किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉमन मिस्टेक है ये हम लोगों को हर तरह से दूर करनी है। अब बच्चों, अगर हम लोग फिजिक्स में अगले सवाल की तरफ देखें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 36 1065 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 40 1442 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 38 1280 बच्चों ने गलत किया, और क्वेश्चन नंबर 41 1133 बच्चों ने गलत किया। अब आप ये देख सकते हैं बच्चों की किस तरह की मिस्टेक आपकी हो रही है। इन सारे क्वेश्चंस को हम फिर से एक्सप्लेन कराएंगे ताकि आपको अपनी गलती पता चल जाए। इसी तरह से बेटा हम लोग केमिस्ट्री में देखें तो क्वेश्चन नंबर 54 1013 बच्चों का गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 68 1011 बच्चों का गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 57 1352 क्वेश्चन बच्चों का गलत हुआ, और क्वेश्चन नंबर 70 1450 बच्चों ने गलत किया। केमिस्ट्री में ही बच्चों 71 क्वेश्चन देखिए, 815 बच्चों ने गलत किया, 74 क्वेश्चन 1196 बच्चों ने गलत किया। केमिस्ट्री में ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 1405 बच्चों ने गलत किया, 79 1227 बच्चों ने गलत किया। केमिस्ट्री में बेटा 85 क्वेश्चन 1922 बच्चों ने गलत किया, और 90 क्वेश्चन 1362 बच्चों ने गलत किया।
आप बेटा अगर बायो की बात करें तो 106 क्वेश्चन 1206 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 109 1935 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 111 1422 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 112 1023 बच्चों ने गलत किया, 118 क्वेश्चन 1120 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 122 1119 बच्चों ने गलत किया और क्वेश्चन नंबर 124 1811 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 125 1954 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 127 1054 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 135 1236 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 138 1271 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 140 1083 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 151 1437 बच्चों ने गलत किया, क्वेश्चन नंबर 173 1162 बच्चों ने गलत किया। तो ये थे बेटा क्वेश्चंस, बायो में 14, केमिस्ट्री में 10 और फिजिक्स में 7 जो ज्यादातर बच्चों ने गलत किया। अब बच्चों निश्चित रूप से टीम न्यूलाइट इस काम पे, इस बात पे काम करेगी कि ये सवाल आपके क्यों गलत हो रहे हैं। जो बच्चे लोकल कानपुर में हैं उनको पर्सनल गाइड करेंगे, जो ऑनलाइन बच्चे उनको भी बताएंगे। हम लोग अब इसको एनालाइज करेंगे ताकि ये गलती आगे आपके पेपर में ना हो। बच्चों आपको एक काम करना है कि मैंने पहले भी बताया था कि एक डायरी बना लीजिए और जिस तरह की गलतियां हो रही हैं वो गलतियां फिर आगे अब रिपीट न हो। सेम मिस्टेक बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। टेस्ट का मतलब ही बेटा कि आप गलती करिए, उससे सीखिए और अपने को परफेक्ट बनाइए कि जब नीट का फाइनल पेपर देने जाए तो आपसे ये गलती ना हो। एक बात और कहेंगे कि टेस्ट के एक दिन पहले अभी से स्लीप साइकिल अपनी मेंटेन करिए और टेस्ट के एक दिन पहले प्रॉपर स्लीप लेकर पढ़ने आइए। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे कि टेस्ट की तैयारी जब करिए अपने नॉर्मल रूटीन से हटके मत करिए, मतलब जो आपने पढ़ने का शेड्यूल बनाया है उसको ठीक से पढ़ते रहिए और टेस्ट के लिए केवल 4-6 घंटे पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद पेपर दे दीजिए। ये भी देखने आया है कि बहुत बच्चे पूरे वीक सिर्फ उस टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, यहाँ परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और फाइनल नीट में उनकी परफॉर्मेंस खराब होती क्योंकि उनका कुछ ना कुछ लैग कर जाता है सिलेबस। तो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और टेस्ट के लिए हम लोग रैपिड फायर कराते हैं उसको देख लीजिए और 3-4 घंटे रिवीजन करिए, उसके बाद टेस्ट देने आइए। अगर पूरे हफ्ते उसी टॉपिक को पढ़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ कोर्स आपका छूट जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस टेस्ट का रिजल्ट क्या था। बेटा जो पहले 20 बच्चे आप देख सकते हैं यहां पर कि हाईएस्ट है 705 और ये बच्चा ऑफलाइन टेस्ट दिया था इलाहाबाद से, सुब्रत मिश्रा, मोहम्मद अब्बास को कानपुर से सेकेंड रैंक मिली 686, तनिष्क मिश्रा को ऑनलाइन से 680 थर्ड रैंक मिली, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं आकांक्षा गुप्ता को कानपुर से 671 फोर्थ रैंक, आशुतोष यादव को इलाहाबाद से अगेन 666 फिफ्थ रैंक, भावना को ऑनलाइन से 665 सिक्स रैंक, अभिषेक विश्वकर्मा को लखनऊ से 665 सेवेंथ रैंक, ऑनलाइन में अताउर रहमान 662 आठवीं रैंक, रोशनी सबा कानपुर से 661 नाइन्थ रैंक, अमित कुमार जायसवाल कानपुर से 661 टेंथ रैंक, सालू पटेल कानपुर से 661 इलेवेंथ रैंक, संतोष कुमार यादव 660 ट्वेल्थ रैंक कानपुर से, कौशलेश पांडे ऑनलाइन 657 13th रैंक, यश मिश्रा कानपुर से 657 14th रैंक, शुभम राव कानपुर से 656 15th रैंक, अरवाज अली कानपुर से 656 16th रैंक, अमीशा राजपूत कानपुर से
656 17th rank. Ratnesh Kanpur se 656 18th rank. Kamal Gangwar Kanpur se 18th rank 656 and Kamal Gangwar Kanpur se 655 12th rank. Kajal Singh Kanpur se 655 20th rank. और ये बेटा रैंक ऑनलाइन ऑफलाइन ये तो ओवरऑल है, लेकिन ये बेटा हमने एज के हिसाब से सब्जेक्ट के क्राइटेरिया के हिसाब से जैसे नीट का रैंक आता बेटा उसी तरह से इसको डिसाइड किया है। बच्चों बहुत खुशी है, आप सब लोग बहुत बढ़ चढ़कर टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि करीब 600 के ऊपर 200 के करीब बच्चे हैं और 620 के ऊपर भी करीब 250 करीब बच्चे हैं। तो प्यारे बच्चों खूब अच्छे से लगे रहिए। हमने जो ये एनालिसिस वाला काम किया है कि ज्यादातर बच्चों के किस तरह के सवाल गलत हो रहे हैं, उस तरह के सवाल आपके गलत ना हो उसके लिए हम लोग बहुत जल्दी एक स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों टेस्ट में आपका चेक होना है स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी। और जितना टेस्ट देंगे उतनी अच्छी स्पीड मेंटेन होगी और एक्यूरेसी भी उससे डेवलप होगी। जो जो सिली मिस्टेक्स आपसे हो रही उसको हम एनालाइज करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे ताकि उन चीजों को देख के आप अपने को इम्प्रूव करते रहिए। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप इतने ज्यादा नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हो और कम से कम हम ये कह सकते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो आपको बहुत अच्छी रैंक का एहसास हो जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और ये जो लगातार नाम देख रहे हैं ये सारे के सारे बच्चे निश्चित रूप से सेलेक्ट होने जा रहे हैं। अब टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन आज की डेट से भी आप में से कोई भी बच्चा बहुत अच्छे से लग जाएगा तो वो नीट क्रैक कर लेगा, क्योंकि पेपर का लेवल बेटा बहुत टफ नहीं होने वाला है। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमने एक एनालिसिस की कि किस तरह के सवाल ज्यादातर बच्चों के गलत हो रहे हैं, इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021।